नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले BSTC काउंसलिंग 2023। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग आपकी शुरू हो गई जिसका आपको इंतजार था। अब काउंसलिंग शुरू हो गई तो किन बातों का आपको रखना होगा ध्यान, यानी कितने विद्यार्थी काउंसलिंग, कौन कौन से विद्यार्थी काउंसलिंग करा सकते हैं और कितने कॉलेज बढ़ने होंगे, यानी 200 पर मिलेगा कॉलेज। क्या वास्तव में 200 पर मिलेगा कॉलेज? जी हाँ दोस्तों, 200 पर मिलेगा कॉलेज। पर आपको ये गलती नहीं करनी। कौन सी गलती है? जिस गलती से आपको रहना होगा सावधान। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्लाइड पर और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने क्या आती है एक बार चलिए। और फटाफट से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि काउंसलिंग और लिस्ट कर लेकर सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे घंटी को भी क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। चलते हैं आपकी स्लाइड पे और आपकी पहली स्लाइड क्या आ गई, ये राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डीएलएड प्री डीएलएड का जो आपका नोटिस जारी हुआ, ये आपके किसके बारे में जारी हुआ? ये सर जी हमारे काउंसलिंग कलेक्ट में जारी हुआ। और इसमें साफ साफ देखा है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगा, इसमें साफ साफ क्या देखा है कि काउंसलिंग की पंजीकरण शुल्क राशि 3,000 रुपये लगेगा, यानी 3,000 का आपका भुगतान लगेगा। कितने का लगेगा? 3,000 का भुगतान लगेगा। 3,000 की काउंसलिंग फीस रहने वाली है। और ये काउंसलिंग कब से कब तक करा सकते हो? यानी 6 अक्टूबर, यानी आज से लगा के आप 17 अक्टूबर तक करवा सकते हो। यानी अपन बात करें आपको 11 दिन का समय मिलेगा। 6 अक्टूबर से लगा के आप 17 अक्टूबर तक काउंसलिंग करा सकते हो। फिर बता रहा हूँ, बार बार मौका नहीं मिलेगा। यदि इस टाइम के अंदर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई तो आपको फिर दोबारा काउंसलिंग का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। काउंसलिंग की डेट कोई नहीं बढ़ेगी। तो आपको 3,000 रुपये काउंसलिंग करवा आज ही करवा लीजिए अपने ई मित्र नज़दीकी ई मित्र पर जाके। अब बात करें कि अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची अनुसार विकल्प देंगे, यानी ये आपका 18 तक दिया जाएगा। यानी 6 अक्टूबर से आप 17 अक्टूबर तक काउंसलिंग की फीस जमा करा सकते हो। और आपको कॉलेज चॉइस करने का मौका कब मिलेगा? वो आपको 18 को मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? यानी आप 3,000 की काउंसलिंग करवा सकते हो और साथ साथ में कॉलेज चॉइस भी कर सकते हो। और कॉलेज भरने की आपकी लास्ट डेट रहने वाली 18। तो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवा लीजिए, आज जाइए ई मित्र पे और 3,000 का चालान कटवा के आज ही अपने कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। अब बात करें सर जी क्या करें, जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं वो मेरी बात ध्यान सुनो, जिन बच्चों के 400 प्लस नंबर हैं तो एक बार तो अपने नज़दीक कॉलेज भरें, एक बार तो अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज भरें आसपास के, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उनके कॉलेज भरें, और फिर लास्ट में ऑल राजस्थान करना। मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, कि आपको ऑनलाइन ऑल राजस्थान करना है। यदि आप ऑल राजस्थान नहीं करोगे, माना कि आपने 10 कॉलेज भरे और आपके 400 नंबर है और आपने सोचा कि मेरे अच्छे नंबर है, मेरे को 10 कॉलेज में मिल जाएगा, और माना कि उन 10 कॉलेज की कट ऑफ हाई गई, माना कि जो आपने 10 कॉलेज भरे और वो सभी के पसंद के कॉलेज और अच्छे राजस्थान के टॉप कॉलेज है, तो हो सकता है सभी बच्चे एडमिशन उसमें लें और उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और माना कि 10 कॉलेज में आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपको कॉलेज मिलेगी कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो आपको कॉलेज भरो उसके अलावा ऑल राजस्थान जरूर करना। जिनके 400 प्लस हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब जिन बच्चों के 350 नंबर हैं वो क्या करें, वो कम से कम यहाँ पे 150-200 कॉलेज जरूर भरे। मेरी बात सुन लीजिए कि आपको कितने 200 कॉलेज भरना है, मेरी बात सुन लीजिए कि आपको 200 कॉलेज भरने। अब बात करें सर जी काउंसलिंग फीस क्या रहेगी, तो यानी काउंसलिंग की फीस रहेगी सर जी हमारे 3,000 रुपये। अब बात करें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो वो एक बार देख लीजिए हमारे को दस्तावेज कौन चाहिए। एक तो सर जी आपका रिजल्ट चाहिए, जो आपका BSTC का वो साथ में लेके जाना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट साथ में लेके जाना, एक आपका रिजल्ट के ऊपर जो काउंसलिंग नंबर है वो आपकी आवश्यकता होगी, एक आपको बैंक डायरी लेके जाना है, एक आधार कार्ड लेके जाना है, एक जाति मूल आय, इन तीनों में से कोई भी आपके पास हो तो लेके जाना, क्योंकि आपको एक बेनिफिट मिलेगा। यदि आपके पास आय होगा उसका भी फायदा मिलेगा, आपके पास जाति होगा उसका मिलेगा, और हो सकता है कि वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आए तो वहाँ पे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और कोई सिस्टर विधवा है, कोई तलाकशुदा है, कोई भाई विकलांग है, तो उनका सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएं। मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि दस्तावेज हमेशा बना के तैयार रखो, कभी भी आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी भी तुम्हारे पास मौका, यदि तुमने नहीं बनाया तो जल्दी से बना लीजिए, यह जानकारी होगी इसको लेकर। और यदि जिन बच्चों के नंबर कम है तो मेरी बात सुन लो, CET की तैयारी में लग जाओ, BSTC से 2024 में आएगी, उससे पहले CET का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। तो उसकी क्लासे हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री चल रही है, उदयपुर क्लासेस पर बिल्कुल सारी की सारी क्लासे फ्री चल रही है, जिसका आपको दिल्ली पुलिस और CET का बिल्कुल बैच फ्री कर रखा है। और उसके लिए आपको जो मोबाइल की स्क्रीन
आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पे क्या करना है, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि मैं सीटी का स्टूडेंट हूं, मैं दिल्ली पुलिस का स्टूडेंट हूं, ताकि मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ये जानकारी आपको कैसा लगी प्यारा सा कमेंट कर लेना। अब बात करें सर जी 200 नंबर पे कॉलेज किससे मिलेगा, जो मेरी सिस्टर विंडो कैटेगरी उसके अंदर आती है, तलाकशुदा के अंदर आती है, उसको 200 पर भी मिलेगा कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई जनरल से है और कोई तलाकशुदा है तो उसको भाई साहब 250 में मिलेगा, और यदि एससी एसटी ओबीसी से हैं तो उसको 200 पर भी मिल जाएगा कॉलेज। ये बात आज की जानकारी आपको कैसा लगी प्यारा सा कमेंट करना, और मिलूंगा एक नेक्स्ट वाली जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, क्षमा गणी। और काउंसलिंग में जल्दबाजी में गलती मत करना मेरे भाई, मैं फिर बता रहा हूँ कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। पिछली बार एक मेरी गाँव की घटना बताता हूँ कि एक कमलेश नाम का लड़का था, उसके 423 नंबर आए और उसने केवल और केवल अपने आसपास के 3-4 कॉलेज भरे और उसने ऑल राजस्थान भी नहीं किया। उसने सोचा कि मेरे अच्छे नंबर है और मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगी, और उस कॉलेज इतना अच्छी, उस कॉलेज की कट ऑफ इतनी हाई गई, उसके 430 पे उस कॉलेज की कट ऑफ गई और उसके 423 नंबर आए, उसको कॉलेज नहीं मिला, और अन्यथा उसको राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिला। इसका एक रीज़न है कि उसने 3 कॉलेज के भरने के बाद उसने ऑल राजस्थान नहीं किया। तो मैं आपसे से कहूँगा, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, आप मनपसंद कॉलेज भर लीजिए, उसके बाद लास्ट में ऑल राजस्थान जरूर करके आना। यदि आपने ऑल राजस्थान कर लिया तो आपका चांस और बढ़ जाएगा, और आपने ऑल राजस्थान नहीं किया तो आपको कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं। और कम वाले बच्चे भी काउंसलिंग करवा लीजिए। अब बात करें सर जी कितने नंबर वाले काउंसलिंग कराएं, तो मेरी बात सुन लो, जिसके 200+ हैं तो वो काउंसलिंग करवा लीजिए, कट ऑफ कम रहने की संभावना है। यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो भी आपकी 3000 रिफंड आपके वापस अकाउंट में हो जाएंगे। ये आज की जानकारी के बारे में कमेंट कर लीजिए प्यारा सा, और जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। मिलूंगा शाम वाली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, रहते रहते, थैंक यू।